अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड। आज हम बनाएंगे चिकन रेशे वाला बर्गर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले कोल्सलो तैयार करेंगे। कोल्सलो तैयार करने के लिए बॉल में डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंदगोभी, 1/2 कप मेयोनीज, 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिक्स करेंगे। कोल्सलो तैयार है, अब सैलेड तैयार करेंगे। सैलेड तैयार करने के लिए बाउल में डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ चुकंदर और 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे। सैलेड तैयार है, अब रायते के लिए ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। ग्रीन चटनी तैयार करने के लिए बॉल में डालेंगे 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 4 अदद बड़ी हरी मिर्च, 5 से 6 कली लहसुन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून खटाई, 1/2 टीस्पून नमक और 1 कप इमली का पल्प डालकर इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। ग्रीन चटनी तैयार है। अब 1 पाव दही में 3 टेबल स्पून चटनी डालकर मिक्स करेंगे। रायता तैयार है, अब इमली की चटनी तैयार करेंगे। इमली की चटनी तैयार करने के लिए पैन में डालेंगे 1 कप इमली का पल्प, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक और 5 से 6 ड्रॉप जर्दे का रंग डालकर स्पैचुला चलाते हुए बॉयल आने तक पकाएंगे। बॉयल आ चुका है, अब 3 टेबल स्पून पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हल किया हुआ डालकर स्पैचुला चलाते हुए चटनी ठीक होने तक पकाएंगे। चटनी तैयार है, अब प्याली में 1 अदद अंडा डालकर फेंटेंगे। अंडा फेंटने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून बॉईल करके रेशे की हुई चिकन डालकर मिक्स करेंगे। अंडा फेंट लिया है, अब पैन पर 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल नीम गरम होने के बाद फेंटा हुआ अंडा डालेंगे, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालकर अंडे को एक तरफ से सीकने देंगे। अंडा एक तरफ से सीक चुका है, अब पलटकर दबाते हुए पकाएंगे। चिकन पेटी तैयार है, अब ग्रीस किए हुए पैन पर बन टोस्ट करेंगे। बन टोस्ट कर लिए हैं, अब बन प्लेट में रखेंगे और तैयार की हुई इमली की चटनी लगाएंगे। फिर चिकन पेटी रखेंगे, पेटी पर तैयार की हुई कोल्सलो डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी केचप डालेंगे, फिर बन पर तैयार किया हुआ रायता लगाएंगे। अब तैयार किया हुआ सैलेड रखकर बर्गर तैयार कर लेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। हमारा मजेदार रेशे वाला बर्गर तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।